हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ग्लैडुलस के पौधे के बारे में। आप नर्सरी से इसको ख़रीद रहे हैं तो कैसा पौधा खरीदिए, अगर बल्ब खरीद रहे हैं तो आप कैसा पौधा बल्ब खरीदिए, और इसको कैसी मिट्टी में लगाएँ, कैसे इसको धूप पसंद है, और बल्ब का कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, ये हमारा ग्लैडुलस का पौधा है जिसको हमने नर्सरी से मंगाया हुआ है। ये देखिए, आप जब पौधा ख़रीद रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि पौधे में जो नीचे से बल्ब है उसका साइज़ क्या है। अगर बल्ब का साइज़ छोटा होगा तो वो प्लांट भी हेल्दी नहीं होगा, और उसमें जो स्टिक हमारी बनेगी, फ्लावर स्टिक निकलेगी, उसका भी साइज़ छोटा होगा और फ्लावर कम आएंगे। तो ये थी पौधे की जानकारी। ऐसा ही है कि बल्ब आप ख़रीद रहे हैं तो बल्ब भी बड़े आकार का लीजिए कि अच्छा आकार हो उसका, और उसको एक बार दबा करके देख लीजिए कि कहीं से वो डैमेज तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बल्ब ख़राब होगा तो वो ग्रो नहीं होगा हमारे यहाँ पे। तो आप जब भी ख़रीदिए, बल्ब और पौधा दोनों बहुत अच्छे से हेल्दी होने चाहिए, मैच्योर बल्ब हो और मैच्योर पौधा हो तो ही खरीदिए। तो मिट्टी इसको वेलड्रेन पसंद होती है। मिट्टी ज़्यादातर गमले में, जो भी हम गमलों में पौधे लगाते हैं उसकी मिट्टी हमेशा वेलड्रेन ही होती है, वही अच्छी होती है हमारे पौधे के लिए। तो हम मिट्टी इसकी वेलड्रेन बनाएंगे। हमने मिट्टी पहले बना ली थी। मिट्टी में हम जब भी कोई सीजनल पौधा लगाते हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि खाद जो है, हम जो देते हैं सॉलिड खाद देते हैं, जैसे गोबर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, जो भी हम खाद देते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जो मिक्स कर लेते हैं तो बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने तो मिट्टी में मिक्स कर लिया, आप भी कोशिश करिए मिट्टी में ही मिक्स करिए। तो ये देखिए, ये ऊपर से बल्ब है, हम इसको 8 इंच के पॉट में लगाएंगे। ये देखिए, इसकी मिट्टी अच्छी है, ठीक ठाक मिट्टी है, तो हम इसकी मिट्टी को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बल्ब में बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, कम जड़ें होती हैं, और ज़्यादा हम उसको मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे, रूट बॉल को, तो वो हमारा पौधा मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको इसमें ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए मिट्टी, आप इसको लगाने के बाद अगर रूट बॉल आपका किसी कारण बस टूट गया है, एक आधे जड़ टूट गए हैं, तो आप इसको लगाने के बाद 2 से 3 दिन आप इसको ऐसी जगह रखिए जहां रोशनी पड़े और तेज़ धूप ना पड़े, क्योंकि तेज़ धूप पड़ेगी तो ये पौधा हमारा सॉक में चले जाएगा और ये मुरझाने का चांस बन जाता है। 2-3 दिन बाद आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ बहुत अच्छी धूप मिल रही हो, 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप इस पर सीधी पड़ रही हो, क्योंकि जब अच्छी धूप पड़ेगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, इसकी स्टिक लंबी और हेल्दी निकलेगी, मजबूत स्टिक निकलेगी और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पानी आप इसमें चेक करके दीजिए, जब इसका ऊपरी हिस्सा सूख जाए, मिट्टी ड्राई हो जाए, तब इसमें पानी दीजिए। जब पौधा लगाएं तो आप इसमें अच्छे से पानी दीजिए कि जड़ में नीचे तक पानी पहुंच जाए। आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हैं तो हम तो जब खाद मिट्टी में मिला देते हैं तो हम कम ही खाद देते हैं, ऊपरी जो खाद देते हैं तो कम देते हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं तो 15 दिन बाद आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही पतला, क्योंकि ऊपर से जो हम खाद देंगे वो बल्ब पर चिपक जाएगी तो हमारा बल्ब ख़राब होगा। ओके फ्रेंड, बाय।